नमस्कार। हाँ नमस्कार। बिहार के हुए उपचुनाव की चर्चा पूरे देश भर में है क्योंकि प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को लॉन्च करी गई थी, उसने पहली बार एक चुनाव लड़ा और उसके नतीजे सामने आए हैं। विश्लेषण ये हो रहा है कि प्रशांत किशोर क्या वाकई बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ पाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजेश्वर जायसवाल, जो बिहार के ऊपर काफी पैनी नजर रखते हैं। राजेश्वर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। राजेश्वर जी, पहली टिप्पणी आपकी हम जानना चाहेंगे बिहार के हुए उपचुनाव के ऊपर। अब पहली टिप्पणी तो मेरी ये है कि इस चुनाव में, उपचुनाव में जो 4 सीटों पर हो रहा था, उसमें सबसे ज्यादा बिहार की जनता की जो दृष्टि थी वो लगी हुई थी प्रशांत किशोर पर ही। क्योंकि अगर प्रचारात्मक रूप से देखें तो एनडीए ने या इंडिया गठबंधन ने, जो अपना राजद के साथ हैं, कांग्रेस और जो भी लोग हैं, वो लोग सीमित वहीं तक थे। लेकिन प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, वो उसकी धमक और हनक पूरे बिहार में हर घर में सुनी जा रही थी। बेशक 4 ही जगह पर हो रहा था चुनाव, लेकिन सभी जगह उसका प्रचार प्रसार था और लोगों की नजर थी कि प्रशांत किशोर क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से देखें तो पहली बार में जो उनको वोट मिला है, लगभग सब मिला के 70,000 के लगभग वोट मिला है उनको, 66,000 से लेकर 70,000 के बीच वोट मिला है, वो कम नहीं माना जाएगा। 10% के करीब है वो वोट जो प्रशांत किशोर जी ने जो आंकड़े में बताए हैं या चुनाव आयोग से जो आया है, तो वोट मिला है वो ठीक है। लेकिन रहे तीसरे नंबर पे 3 जगह और 1 जगह चौथे नंबर पे रहे हैं। मतलब जमानत तो उनकी जब्त हुई है 3 जगह पे, 1 जगह जमानत बची है, वहां एक पास जितेंद्र पासवान जी थे वहां पे जमानत उनकी बची है। वहां पासवान लोगों की संख्या भी ज्यादा थी और दिक्कत ये थी कि उसमें जो चिराग पासवान थे उन्होंने मदद नहीं की थी। आपको पता होगा जो जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, उनकी मदद नहीं की थी क्योंकि दोनों लोगों का फ्रैक्शन हुआ था उस बात को लेकर के, जो इसमें रिजर्वेशन के मामले में वो वर्गीकरण चाहते थे और नहीं चाहते थे। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह का दावा ठोक रहे थे वो हुआ नहीं। एक तो उनकी पहली बात है, मैं उसका व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं करता, लेकिन मेरे समर्थन करने न करने से क्या होता है, लोगों ने उनकी एक बात ठुकरा दी और वो लगभग 80% महिलाओं ने ठुकरा दी, जो उन्होंने शराबबंदी की चर्चा हर जगह की थी कि नहीं शराबबंदी तो हम आते ही हटाएंगे, तो वो महिलाओं ने ठुकरा दिया है और बिहार की जनता ने ठुकरा दिया है, नहीं तो 10% से बढ़ता। देखिए जो शराब पीने वाले लोग हैं मनीष भाई, वो भी जानते हैं कि नहीं ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहेंगे कि, वो ये नहीं प्रेजेंट करते कि शराब बहुत बेहतर चीज है, खास करके बिहार में जो लोग पी रहे हैं, टैंकर का टैंकर डाल लेना अंदर, वो शराब पीना नहीं होता, एक तरीका होता है जो लोगों को पता नहीं है। तो वो आप मान लीजिए आप पीते हैं या हम पीते हैं, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि शराब हमारे बच्चे भी पिए, चाहे शराब जैसी चीज हो, वो नहीं चाहेंगे। तो उनकी ये बात धीरे से ही लोगों ने ठुकरा दी है, ठीक। बेशक लोग सामने आके नहीं कहते क्योंकि इसमें पुलिस की नाकामी है, ये पहली बार वो कहते हैं, ठीक बात है, पुलिस की नाकामी है इसलिए शराबबंदी जो है वो ठीक से अभी सफल नहीं है, जैसे कि शुरुआती 2-1.5 सालों में सफल थी, तो वो नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 25 से 30 हजार करोड़, 21 हजार करोड़ बोला है, फिर 25 हजार बोल दिया, तेजस्वी ने बोला, और ये लोग नहीं बताते कि ये आंकड़े कहां से ला रहे हैं, जबकि 2016 में जब बंदी हुई थी तो मैंने शराबबंदी पे लगभग 20 से 22 आर्टिकल्स लिखे थे, जितने भी नेशनल हिंदी के अखबार थे सब में लीडिंग, सबसे ज्यादा संभवतः मैंने ही लिखा था उस समय आर्टिकल के रूप में, खबर नहीं, मैं लोकसभा टीवी में था। तो 4,3600 से 4,000 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था कि इतना पैसा आएगा, तो मान लीजिए कितना, 16, 4, 20, 4, 24, 8 साल हुए। अब ऐसा तो नहीं है कि हर साल दो 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 100% बढ़ जाता, बीच में नोटबंदी आई थी तो उस समय भी शराब की बिक्री कम होती, कोरोना में बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तो आप बताइए कि इतना ज्यादा तो होगा नहीं, इतना ज्यादा 21 हजार करोड़ का हर साल कहां से आएगा, और वो उस शराब के पैसे का इस्तेमाल वो किस चीज में करना चाहते हैं,
एजुकेशन चलाने में, लेकिन ये नहीं बताते कि उसके बाद जो रोड एक्सीडेंट बढ़ेगा, जो लड़ाई झगड़े होते, सभी जगह देखिए, आप एम्स जाइए, दिल्ली एम्स में कभी जाइएगा, शाम के समय में जितने केसेस आते हैं एक्सीडेंट के, लड़ाई के, झगड़े के, उसमें 80-90% जो झगड़े होते हैं मनीष भाई, वो शराब के कारण होते हैं। प्लांड मर्डर जो होते हैं, बेशक जो भी करता हो वो शराब पीकर ही जाया जाता है करने, अचानक से आक्रोश में आके कहीं कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वो शराब के कारण ही होता है। तो महिलाओं ने और कुछ बौद्धिक लोगों ने, कुछ साधारण लोगों ने भी महसूस किया कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बिहार में लगभग हर आदमी एक तरह से बेहतर पढ़ा लिखा कम होगा, फिर भी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया जानता है, वो खुल के सामने नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि इधर उधर लोग बातें करते हैं और हर लोगों को लगता है कि शायद हमें सरकार देख रही है बिग बॉस की तरह, उसकी नजर हमारे ऊपर है, तो इसलिए लोग नहीं बोलते हैं, चालाकी होती है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब शराब बंदी जो है, ठीक है, यहाँ लोग उस तरह ट्रेंड नहीं है जो जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो अपना 3-4 पैक पी लिए उनका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि वो पी के नालियों में पड़े रहते हैं। तो आप एक दूसरी व्यवस्था ला रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं इसको रेगुलेट किया जाएगा या कुछ खास जगहों पे लाया जाएगा, बिजनेस के लिए कैसे जरूरी है, ऐसा प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं बोलते, बस शराब को हटा दो, आते ही हम 10 मिनट में पहली जो हमारी वो होगी वो शराब को हटाना होगा। अरे भाई ये कोई बात तो नहीं है, अब इतना जरूर है कि एक्सीडेंट रेट जो है वो कम है, बिहार पुलिस की जो गलती है उस पे ज्यादा नजर नहीं लगाते हो कि भाई बिहार पुलिस, निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से राजेश्वर जी ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो पहला चुनाव था जिसमें कि उनके उम्मीदवार चुनाव में उतरे, उसमें उनको महिलाओं ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि शराब नीति के ऊपर जो उनका रवैया है, वो प्रोहिबिशन जो नीतीश कुमार ने लागू कर रखा है उसके खिलाफ है, और उनका कहना है कि वो सरकार में अगर कभी आते हैं तो सबसे पहले शराब नीति को बदलेंगे और शराब पर जो बंदी है उसे खत्म करेंगे। राजेश्वर जी शायद आपको क्या लगता है कि जो उनका स्टैंड है प्रोहिबिशन के ऊपर में, वो गलत है या कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाए, वो समझा नहीं पाए, क्योंकि वो शायद ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि गुजरात का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो लोगों का आरोप ये है कि एक पैरेलल माफिया वहां पर भी होम डिलीवरी कराता है और वही कहीं ना कहीं बिहार में भी तैयार हो गया है, तो इस पैरेलल माफिया को क्यों सपोर्ट किया जाए। मनीष भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम गुजरात की जो तुलना है वो बिहार से बिल्कुल नहीं कर सकते, गुजरात एक धनी मनी स्टेट है, बिहार के साथ वैसी बात नहीं है। एक धनी आदमी शराब पीता है, बहुत क्वालिटी का पिएगा, 50 आदमी पीकर एक बार में नहीं मर जाएंगे, और एक गरीब आदमी पिएगा वो दूसरी बात हो जाएगी, धनी आदमी पिएगा तो उसका परसेंटेज ऑफ इनकम जो है उसमें पता ही नहीं चलेगा, समुद्र से बूंद के बराबर रहेगा, लेकिन एक गरीब आदमी पिएगा 300-400 रुपया कमाता है, उसको ब्लैक में खरीदना है, होम डिलीवरी है, ये बात सही है, तो पता चले कि वो 200 रुपए का शराब पी गया तो 50% उसके घर का इनकम तो गया। जो धनी आदमी, अगर मान लीजिए गुजरात का कोई धनी आदमी है जो 2-3 लाख रुपया का महीना कमाता है तो 200-300 का पी गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिहार का कोई आदमी पिएगा तो एक ही साथ उसके फैमिली का रोजी रोटी जो है वो कंप्रोमाइज हो गया, उसके बच्चों का जो डे बाय डे का 20-25 रुपए जो खर्चा है वो कंप्रोमाइज हो गया, तो आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। होम डिलीवरी है, इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी जो है वो पुलिस है, पुलिस वाले सस्पेंड भी होते हैं, खबरें आती रहती हैं। प्रशांत किशोर को आंदोलन ये चलाना चाहिए कि भाई प्रशासनिक अफसर आखिर क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर केवल सरकार पर, एक सीएम है या जो मिनिस्टर है वो घर घर जाके नहीं देखेगा, नागरिक की भी जिम्मेदारी है, वो नागरिक की जिम्मेदारियों की बात नहीं करते, और एक तरह से जैसे अंग्रेजों के टाइम में असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था उसी तरह कुछ माफिया चला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रशांत किशोर जी भी असहयोग आंदोलन चलाएंगे। शराब पीना अच्छी है या बुरी बात है ये कोई डॉक्टर बता सकता है, हमारी कम से कम इस मामले में मनीष भाई दिल्ली के डॉक्टरों से ही अक्सर बात होती है, उसमें कोई भी इस चीज का समर्थन नहीं करता कि आप शराब पिए अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं करता,
क्योंकि उस तरह एक तो लोगों को पीने नहीं आता है, दूसरी बात क्या है कि वो ठीक भी नहीं है, तो ये कोई नहीं कर बंदी के ऊपर जो प्रशांत किशोर का स्टैंड है उस पर कहीं ना कहीं वो बिहार के उपचुनाव के ऊपर भी एक हम कह सकते हैं कि लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसमें बिहार के महिलाओं का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, आज से नहीं कई कई वर्षों से, और बिहार के महिलाओं का जो वोट बेस है उसके वजह से नीतीश कुमार की राजनीति काफी मजबूत रही है। और हमने देखा है कि नीतीश कुमार के कई सारे कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए शुरू किए गए थे उसे कई राज्यों में अपनाया गया, जो मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना किया या महाराष्ट्र में जो लड़की बहन योजना को स्वीकार करा उसका भी कहीं ना कहीं रूपांतरण जो है बिहार से ही हुआ था। और आज के तारीख में हम देख पा रहे हैं कि जैसे झारखंड में काफी बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट करा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट करा और महिलाओं के वोटिंग को योगदान दिया जा रहा है नतीजों के रूप में। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की जो राजनीति है एक बहुत बड़े वोट बेस से कहीं ना कहीं छटकते हुए दिखाई पड़ रही है। तो क्या राजेश्वर जी प्रशांत किशोर को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं के साथ उनको जुड़ करके राजनीति करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए, और एक महिला को उन्होंने जोड़ा भी था, किरण देवी को अपने साथ। दरअसल किरण देवी जो है एक और वहां पे संभवतः कोई सेना के अफसर थे, उनके जाने के बाद किरण जी आई, लेकिन उनको ज्यादा वोट नहीं मिला, 5600 ही वोट मिला है। इसका मतलब कर्नल साहब भी अगर होते तो उनको ज्यादा से ज्यादा कितना वोट मिलता, 10,000 मिल जाता। मेरा एक कहना और है मनीष भाई कि आप अमेरिका से आदमी को उठा के ला दीजिए, आप यूरोप से लेके आइए, आप दिल्ली से, कर्नल साहब ने खुद बिहार को ऐसा नहीं समझा कि यहाँ के वोटर रह पाते, वो नोएडा के वोटर हैं। तो यहाँ भी अच्छे लोगों की कमी तो है नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टियां उनको लेती हैं वो नहीं लेती हैं वो उनकी वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जी को लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पीएचडी किया हुआ आदमी, जरूरी नहीं है हमारे आपके तरह के पत्रकार सुप्रीम कोर्ट के वकील ही अच्छे इंसान होंगे, ये भी हो सकता है कि यहीं का कोई ग्रेजुएट बहुत बढ़िया काम करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी को ये करना चाहिए। महिलाओं के पास जाना चाहिए, उनका दुख दर्द समझना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। महिलाएं यहाँ बहुत होशियार हैं, बहुत मेहनती भी हैं। नीतीश कुमार ने एक काम साइकिल देकर ही, बहुत नहीं, साइकिल देकर ही बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आपको पता है 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक नीतीश कुमार दे रहे हैं फर्स्ट क्लास आने वाली लड़कियों को, जो बहुत ज्यादा लड़कियों को फर्स्ट क्लास आ रहा है। मतलब 50,000 रुपया अगर किसी को मिल जा रहा है तो बिहार जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा भलाई हो जाएगी। 25,000 रुपया संभवतः इंटर पास करने पर है उन लोगों को, तो आप सोचिए कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। आप उसको आप ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, सड़कें खराब हैं। कहीं सड़कें खराब नहीं है, मैं बिहार के 4-5 जिलों में घूमता हूं, हरियाणा से बेहतर सड़क है, हम दिल्ली में रहते हैं साउथ दिल्ली में, वहां से बेहतर सड़क है, बहुत इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री बीज नहीं है फिर भी बहुत बढ़िया स्थिति है। यहाँ इन लोगों ने एक और चीजें चलाई है कि नहीं भाई, तेजस्वी ने भी बोला है कि नहीं ये हम लोग 200 यूनिट जो है फ्री बिजली का दिलाने का कोशिश करेंगे, तो वो भी नीतीश जी ने नहीं किया, और ठीक बात भी है। यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, इनको ये करना चाहिए कि भाई आप बाहर से कोई कंपनी ला सकते हैं तो वो लाइए, वो लगाए, नीतीश जी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो ये केवल लालू जी की बात नहीं है कि उनके समय से, उसके बहुत 10-12 साल 15 साल पहले से बिहार की स्थिति बहुत बुरी है, तो इनको उस पे काम करना चाहिए था। अभी ये अमेरिका में आज तक के एक चैनल पे बैठे हुए थे, वहां बोल रहे थे कि वहां सिवान के एक लड़के ने जो वहां पे बायो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो बता रहे थे कि भाई आप हायर एजुकेशन के लिए क्या कीजिएगा, तो बोले कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। भाई हायर एजुकेशन चाहिए, यहाँ हमारे ही जिले में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ चुका है, बगल के बेतिया में मेडिकल कॉलेज आ चुका है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेरे शहर में 8-8 हजार रुपए महीना प्राइमरी स्कूल के बच्चों का फी है, प्राइवेट स्कूल में, जीडी गोयन का है, एमआर जयपुरी स्कूल है, दिल्ली में भी यही स्कूल टॉप पे है, मतलब फी के मामले में, यहाँ डीपीएस भी है, सभी कुछ है।
ऐसा नहीं है, बढ़िया से रेगुलेट करने की जरूरत है। आप महिलाओं के पास प्रशांत किशोर की जो आपने बोला कि क्या करना चाहिए, आप प्रशांत किशोर ये सोचते हैं मनीष भाई कि हम जो सोचते हैं हम ब्रह्मा जी हैं, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। उनको मीडिया में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, आप देखते हुएगा कि ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जितने भी हैं सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। फेसबुक पे मैं खूब रहता हूँ, उस पे ट्विटर पे खूब रहता हूँ, एक्स पे, तो जितने भी उनके वीडियो आते हैं सब पे स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है। तो उस हिसाब से उनका मीडिया, उनको मीडिया का इतना सपोर्ट मिलता है जितना नीतीश कुमार को नहीं मिलता, सम्राट चौधरी को यहाँ नहीं मिलता। बट प्रशांत किशोर का बिहार के राजनीति में आना एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर डेयरिंग कैपेसिटी के आदमी है। इस इलेक्शन में बाहुबली सुशील पांडे के, सुनील पांडे के बेटे भी खड़े थे, ऐसे सबसे ज्यादा मार्जिन वोट से वही जीते, उनको 78,000 के करीब वोट आया था। तो कम से कम वो बोलने की हिम्मत करते हैं, ये अच्छी बात है। परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं वो ठीक बात है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। दीपा मांझी को जिता दिया है, उनके ससुर उनके पति दोनों मंत्री हैं, एक बिहार में एक वहां पे, एक और है अपने क्या नाम है जगदानंद सिंह के बेटे, खैर वो हार गए, ठीक है। तो सुशील पांडे तो एक हो ही गए, दूसरा है ये दीपा मांझी, ये दोनों लोग परिवारवाद से ही हैं, और परिवारवाद किसी पार्टी में है नहीं है, इससे लोगों को मतलब ही नहीं है। लोगों को मतलब है कि उनका व्यक्तिगत काम कैसे होगा, सामूहिक नहीं, टोटलिटी में नहीं, उनका व्यक्तिगत कौन सुन रहा है बिहार में, ये बात मैटर करता है। कुछ भी नहीं तो घर में पूजा हो रहा है ना, बड़ा सा पूजा, उसमें आ जाए मंत्री, आ जाए विधायक, आ जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है सुनील भाई, तो मनीष भाई, तो ये भी एक बात है। इससे लेना देना नहीं है, लेना देना ये है कि भैया हमारी सुन कौन रहा है, हमसे बात कौन कर रहा है। आप ये बताइए, प्रशांत किशोर की आप आलोचना कर दीजिए, उनके मुंह पे चार टेढ़े सवाल कर दीजिए। मैं दो तीन बार मिला हूं शुरू में, जब वो उन्होंने बेतिया से शुरू किया था, भितियरवा से, तो भितियरवा के जस्ट बाद वाले पे मैं गया था, लौरिया में भी गया था, मच्छरगावा में भी गया था, और उनकी पार्टी 40 दिन की नहीं है, कहने वाले गलत कह रहे हैं, जनसुराज का नाम बहुत पहले ही पड़ गया था, 2 साल से ये चक्कर चल रहा है। उसी समय बेतिया में डिसाइड हुआ था कि हम पार्टी बनाएंगे, मेजर थम मेजोरिटी से वहां लोगों ने बोला था, और बेतिया में पहला उनका ऑफिस भी है सुप्रिया सिनेमा के पास, मैं वहां जाता रहता हूं हर 2 महीने के बाद, कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर बहुत बड़ी वहां पे लगाई गई थी। मेरा तो ये भी कहना है मनीष भाई, आप रखिएगा अपने उस पे कहीं और भी जगह, कि अगर आप कहते हैं कि 33 साल का मामला गड़बड़ है, ठीक है, हम भी मानते हैं, हम लोग दिल्ली में ही रह के पढ़ाई लिखाई किए हैं, जॉब किए हैं, तो अगर उसके पहले के सारे मुख्यमंत्री बहुत ही सच्चे सज्जन ईमानदार थे, तो आप उनका भी नाम लगाइए कि भैया भागवत झा आजाद बहुत ऑनेस्ट थे, जगन्नाथ मिश्रा बहुत ऑनेस्ट थे, पहले जो थे श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह जी वो बहुत, आप क्यों नहीं लगाते, क्यों अपने उस पे तस्वीर पे केवल उनका नाम लगाते हैं, कर्पूरी ठाकुर का लगाना चाहिए ना। वो इसलिए लगाते हैं कि इनको भी जात पात की राजनीति से कोई परहेज नहीं है। ओबीसी का वोट, जो मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी है वो अति पिछड़े बहुत ज्यादा, उनका वोट चाहिए, इसलिए वो कर्पूरी ठाकुर एक सज्जन नाम है बिहार की राजनीति में, भारत की राजनीति में, इसलिए उनका नाम लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको उनके नाम से बहुत ज्यादा प्रेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर से देखिए, मोहम्मद अमजद जी को 17,000 के करीब वोट आया था, हमें उसी दिन बीसियों लोगों से बात हुई, तो उन लोगों ने कहा कि भैया ये पूछिए कि ये जनसुराज का वोट है या मुसलमानों का वोट है, क्योंकि दूसरे दो जगह और उस तरह का उनको समर्थन नहीं मिला है, जातीय समर्थन ही बहुत मिला है अगर उनके लोग उस तरह के हैं तो, जैसे जितेंद्र पासवान है वहां ज्यादा संख्या है तो उनको वोट मिल गया है, तो ये भी एक बात है। तो उनके कहने से ये नहीं मान लिया जाएगा, बिहार के लोग ठीक है परसेंटेज ऑफ एजुकेशन जो है बहुत कम हो सकता है, बट उनकी जो बौद्धिक क्षमता है उस पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, ये है। दूसरी बात निश्चित रूप से राजेश्वर जी ने बहुत विस्तार से हमें बताया कि कई सारी खामियां हैं प्रशांत किशोर की राजनीति में। एक तो सबसे पहला कि जो उनका एजेंडा है उसका संवाद लोगों के साथ हो नहीं रहा है, शराब नीति के ऊपर जो उनका स्टैंड है वो महिलाओं के
एस्पिरेशन से उल्टा है। साथ में जिन लोगों को राजनीति में लेकर के प्रशांत किशोर आ रहे हैं वो स्थानीय कम है, बाहरी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए नहीं है, विचारधारा का भी अता पता नहीं है उनका, उनकी क्या विचारधारा है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, विचारधारा की भी स्पष्टता नहीं है। और कर्पूरी ठाकुर का फोटो लगा करके कहीं ना कहीं उसी राजनीति में वो जाना चाहते हैं जिसके बारे में बिहार में बाकी और भी पार्टियां काम कर रही हैं। राजेश्वर जी ने कई सारे विषयों के साथ हमसे अभी आज डिस्कशन किया है, विषय और भी काफी हो सकते हैं लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया है। हम अगले एपिसोड में राजेश्वर जी को एक बार फिर से लेकर के आएंगे कि बिहार में अगले साल जो अक्टूबर में चुनाव होगा उसके प्रति किस तरह की हवा बनती जा रही है। राजेश्वर जी आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू।